हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तरन सर क्लासेस पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई के व्यू पॉइंट से अगर देखें तो कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर द टाइगर किंग से है, जो कि विस्टास बुक में से है और इसके राइटर हैं कालकी। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आपने क्वेश्चंस को समझना है और उनका आंसर एक्यूरेटली करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। इसका मतलब है ऐसा क्या र्यूमर था, ऐसी क्या अफवाह थी जो आग की तरह फैल गई थी प्रतिबंधपुरम में। तो इसका आंसर है कि ये उस राजा की डेथ के बारे में था जो अभी जन्म जिसका हुआ ही था और सिर्फ 10 दिन का था, और चीफ एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि इसकी डेथ जो है एक टाइगर से होगी। तो ये इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर है, आपको अपने माइंड में रखना है जब भी आप जो है चाहते हैं सीबीएसई के एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल डेप्थ वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, व्हाई वाज देयर अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर टाइगर्स। अब देखा जाए तो इसमें जो है टाइगर्स का सेलिब्रेशन टाइम कैसे होगा, वो इसलिए क्योंकि महाराज ने क्या अनाउंस किया था कि मेरे अलावा कोई भी जो है टाइगर को नहीं मार सकता। तो टाइगर्स खुश हो गए कि एटलीस्ट अब हम कुछ लंबे टाइम तक जी सकते हैं, क्योंकि हंटर्स को भी अलाउड नहीं था टाइगर हंटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट प्रोक्लेमेशन वाज मेड अबाउट द टाइगर हंटिंग। यानी टाइगर हंटिंग के बारे में क्या प्रोक्लेमेशन भविष्यवाणी की गई थी, क्या अनाउंसमेंट एक तरीके से कर दी गई थी, वो क्या थी कि टाइगर जो है वो सिर्फ अब महाराज के शिकार होंगे, उनको कोई भी हंटर भी जो है वो मार नहीं सकता। ये सब पब्लिकली अनाउंस किया गया था। इसके बाद है, व्हाट वाज महाराजास वाओ। वाओ क्या होता है, कसम। महाराजा की कसम क्या थी, महाराजा ने ये कसम खाई थी कि वो उस हंट जो टाइगर जो है जिनके बारे में जो है ये कहा गया कि वो उसको जो है मरने का कारण होंगे, वो महाराज ने कसम खाई कि मैं तब तक अपने कोई भी दूसरे काम को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक अपना ये वाला टारगेट जो है 100 टाइगर को मारने वाला अचीव ना कर लूं। उसके बाद, व्हाई डिड द ब्रिटिश ऑफिसर विजिट प्रतिबंधपुरम। अब आपने देखा होगा ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम की स्टेट में किस पर्पज के लिए आया था, उसका सिर्फ एक ही पर्पज था, वो था टाइगर हंटिंग। लेकिन जब वो भी पूरा नहीं हुआ तो उसने दूसरी कंडीशन ये रखी कि मुझे जो है एक टाइगर के साथ, चाहे उसको महाराज नहीं मारा हो, एक टाइगर के साथ फोटोग्राफ करवानी है, लेकिन वो भी कंडीशन उसकी पूरी नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू किल फर्स्ट 70 टाइगर्स। पहले 70 टाइगर्स को महाराज को मारने में कितना समय लगा। तो इसका आंसर है 70 टाइगर्स के लिए 10 साल का टाइम लगा पूरे फर्स्ट 70 टाइगर के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट ऑफर डिड द महाराजा गिव टू द विलेजर्स टू हेल्प फाइंड ए टाइगर। ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब महाराज को सिर्फ लास्ट टाइगर चाहिए था, तो उन्होंने विलेजर्स को बोला कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे उस टाइगर को फाइंड करने में, तो मैं तुम्हें 3 साल का टैक्स जो है वो बिल्कुल एग्जेम्पशन कर दूंगा, बिल्कुल फ्री कर दूंगा, छोड़ दूंगा तुम्हारा। और From where had the Diwan brought the tiger at home? टाइगर कहाँ से लेकर आया था दीवान, वो है पीपल्स नेशनल पार्क मद्रास में से वो लेकर आए थे, जिसको अगर हमें कहें कि स्मॉल टाइप ऑफ जू, जू में से भी लेकर आए थे वो इस टाइगर को पीपल्स नेशनल पार्क। इसके अलावा, What was the actual cost of the wooden tiger? अब actual cost वाला question अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे इस question का answer नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको actual cost नहीं पता इस tiger की, वो थी सिर्फ 2 anas and quarter. 2 anas आप सोचिए, आप 8 anas मिलके बनते हैं 1 rupee. अब आप सोच सकते हैं 2 anas की cost क्या होगी। और what happened to Maharaja while playing with the wooden tiger? महाराजा के साथ क्या हुआ जब वो वुड के टाइगर के साथ खेल रहे थे, तो महाराजा का जो है एक राइट हैंड जो है वो इंजर्ड हो गया था, वाउंडेड हो गया था, एक स्लीवर जो है वुड की उसने इंजर किया, और उसके बाद वही जो है रीजन बन गई महाराजा की डेथ का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
From where the three famous surgeons were called? और इसका आंसर है मद्रास, क्योंकि आपने सुना होगा मैंने पीछे वाली वीडियो में बोला जो इंग्लिश में थी कि जर्मन, एक्चुअल में इसलिए जर्मन बोला गया क्योंकि जर्मन डॉक्टर्स हैं उनमें सिंपथी नहीं होती, तो ऐसी जब ये डॉक्टर्स भी बाहर आते हैं इनके माइंड में कोई भी सिंपथी नहीं थी, इन्होंने बस आकर एक ही बात बोली कि द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. बट इसका एक्चुअल आंसर है मद्रास. मद्रास स्टेट से इन सभी डॉक्टर्स को बुलाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज. प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज, कभी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में ये तब हुआ जब 10 दिन के बच्चे ने, 10 दिन के न्यू बॉर्न बेबी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा. ना केवल पूछा बट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो पहली बात तो 10 दिन का बच्चा बोलेगा कैसे, लेकिन जब ये बच्चा बोलता है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि ओ वाइज एस्ट्रोलॉजर, डेथ तो सभी की होनी है, मेरी डेथ कैसी होगी मुझे बताओ, तब मैं मानूंगा कि आपकी एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत अच्छी है. तो इसलिए जो है उन्होंने अपनी फिंगर ऐसे पॉइंट की और सोचा और फिर कंक्लूजन निकाला कि तुम बुल और में पैदा हुए हो और तुम्हारी डेथ जो है एक टाइगर से होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was महाराजा so anxious to kill the 100 tiger? महाराजा जो है 100 tiger को kill क्यों करना चाहता था? क्योंकि महाराजा को यही बात कही गई कि तुम अगर 99 tiger भी मार लेते हो, लेकिन तुम्हें 100 tiger से तो बच के रहना है. इसलिए महाराजा को था कि मैं 100 tiger को पहले मारूं और उस prediction को बिल्कुल wrong prove कर दूं जो मेरे बारे में की गई है. prediction होती है भविष्यवाणी. इसलिए महाराजा जो है excited थे, एंग्शियस थे उस टाइगर को मारने के लिए. नेक्स्ट है, हाउ डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, हाउ वॉज ही एबल टू अवॉइड द डेंजर. ऐसा क्या हुआ कि जो टाइगर किंग जो है उसकी किंगडम खतरे में पड़ सकती थी और उन्होंने उस खतरे को कैसे अवॉइड किया, वो हम इंसिडेंट मेंशन करेंगे इसमें. जब एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है सिर्फ इस पर्पज के लिए कि वो एक डेड टाइगर के साथ फोटोग्राफ कराए, चाहे पहले हंटिंग की विश थी लेकिन उसने कहा कि चलो हंटिंग भी मत हो बट एक फोटोग्राफ ले ले दो डेड टाइगर के साथ, लेकिन जब उसे वो भी अलाउ नहीं किया गया तो वो ऑलमोस्ट एक ऐसा पल था जब ब्रिटिश ऑफिसर के गुस्से की वजह से उसकी जो है किंगडम खतरे में पड़ सकती थी. तो उसने इस खतरे को कैसे अवॉइड किया, बचा कैसे, इस खतरे को कैसे दूर किया, उसने स्पेशली एक प्लान किया कि उसकी वाइफ को मैं ब्यूटीफुल रिंग्स भेजूंगा और उसकी वाइफ खुश हो जाएगी. और इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है उसकी वाइफ के लिए, दुराइसानी. अगर ब्रिटिश ऑफिसर के लिए दुराइसा है तो उसकी वाइफ के लिए दुराइसानी वर्ड यूज हुआ है. और वो रिंग उसने भेजी महाराज ने और उसकी वजह से उसकी किंगडम जो है बच जाती है. इस तरह इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए या सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. कीप ऑन वॉचिंग तरंसर क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.